मज़ा आया। मैंने पहली बार एक गाने के लिए मैं एक्चुअल कॉलेज में आया हूँ। हम लोग पिल्ले कॉलेज में आए हैं हमारी अयारी फिल्म जो रिलीज़ होने वाली है उसके गाना शूट करने के लिए, और ये एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं जो आज हमारा गाना सुनने, हमारे साथ सेलिब्रेट करने, हमें एनर्जी देने यहाँ पे रहे पूरे दिन। सो हैट्स ऑफ टू देम, दे बीन ग्रेट स्पोर्ट्स। बहुत मज़ा आया इनके साथ गाना गाने का, नाचने का, एंड यू आर फीडिंग ऑफ देयर एनर्जी। सो आई थिंक द वीडियो इज गोना कम आउट रियली वेल, एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि हम लोग इस कॉलेज में आके परफॉर्म किया। और पहली बार इस कॉन्सेप्ट पे इस टाइप का गाना शूट किया जा रहा है, कभी भी लाइव स्टूडेंट्स के साथ नहीं किया गया, तो आई थिंक द वाइब इज वेरी रियल, द एनर्जी लाइक सिड सेड की बहुत ही मजा आया, और उन लोगों की एनर्जी हम में आ रही थी, तो वी हैड अ ब्लास्ट। एंड ये एक यूथ एंथम है, एंड आई डोंट थिंक इट वुड हैव बीन अ बेटर प्लेस टू शूट इन अ कॉलेज विद सच एन अमेजिंग क्राउड। तो यस, It's a song made for the youth, इसकी lyrics बहुत ही मायने रखती है आज के youth के लिए। हम उनको encourage कर रहे हैं कुछ शुरू करने के लिए, कुछ change आने के लिए, and since they are the future, I think it was an ideal situation for us to come and shoot here. So we have to be the change. आप लोगों को college के दिन याद आए यहाँ पर आके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं दिल्ली में भगत सिंह में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा कॉलेज था, और वहाँ पे मुझे याद है एक्चुअली हमारे कॉलेज फेस्ट के लिए एक बार मीका साहब आए थे, और हम लोग पागल हो गए थे उनको देख के वहाँ पे, एंड उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो मेरे को वो दिन याद आ गए। पर इस बार उल्टा था कि मैं स्टेज पे था और लोग नीचे थे, तो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग और बहुत मजा आया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में JMC कॉलेज से थी, सो इवन हमारा फेस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता था, अनदर रीजन बीइंग कि वो एक गर्ल्स कॉलेज था, सो लॉट ऑफ भगत सिंह पीपल यूज टू कम टू JMC फेस्ट, एंड अगेन बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेज होती थी, तो इट डिड टेक मी बैक टू माई कॉलेज डेज, एंड या इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। सिद्धार्थ, क्या ये गाना फिल्म में होगा या प्रमोशनल सॉन्ग है? ये गाना पिक्चर में नहीं है, प्रमोशनल गाना है, बट ये पिक्चर से बहुत ही रिलेटेड है, बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि ये पिक्चर आपको इंकरेज करेगी कुछ चेंज आने के लिए, कुछ परिवर्तन लाने के लिए, और ये यंगस्टर्स के लिए एक पिक्चर है, और ये गाना भी उसी को नज़र में रखते हुए बहुत ही अच्छे लिरिक्स लिखे गए हैं, और हम इंकरेज कर रहे हैं यंगस्टर्स को कुछ बदलाव लाने के लिए। सिद्धार्थ, एक सवाल और कि अभी फाइनली पद्मावती की डेट डिसाइड हो गई, 25 को आ रही है, तो क्या वो हमें पता नहीं? हमें अभी पता चला है, डिसाइड हो गया, अभी ऑफिशियली डिसाइड हो गया, तो हम तो अभी तक ऑफिशियली हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है, अभी तक हम लोग 26 में ही है। वी विल डिसाइड एंड मेक एन अनाउंसमेंट सून। Yeah, same. It's the same movie. So we will announce and make the announcement. We are shooting from the morning, so we have no idea what's happening. Are you disappointed with the fact that it had to be moved out? We don't know. We're not saying we have moved. We're not saying anything right now. अभी तक official news नहीं आई है अयारी team की, हम कब release कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 26 में ही हैं। We will decide as जहाँ पे आज changes हुए हैं। So as soon as we decide, we will make an announcement. Thank you. Thank you. Thank you.